नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन लेके आए हैं कक्षा 10 का विषय गणित। परीक्षा की दृष्टि से या परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 96 और 404 का एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर देखो अपने चार विकल्प रहेंगे, 120 बी है, 4 सी है अपना, 10 और डी है ऑप्शन 3। तो यहां से देखेंगे 120 में 96 कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे। 4 से कट रहे हैं, कट रहे हैं, तो इसलिए इसका अपना एचसीएफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ए एच स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा इंटू बीटा का मान है। तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का मान? ये होता है अपना सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए, या दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं अपन अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अद्वितीय हल तीसरा पूछे, दो समीकरण लेंगे और उसमें पूछे बी वन बटे बी टू। यदि हल में पूछे तो इसे कहेंगे कि दिए गए निकाय के हल अद्वितीय है, ठीक है, इसे बोलेंगे अद्वितीय हल। यदि हल में पूछे तो क्या कहेंगे? अद्वितीय हल, ठीक है। और यदि रेखाओं में कहें तो क्या कहेंगे अपन? रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, ठीक है। हल पूछे तो क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। और रेखाओं में कहेंगे तो इसे कहेंगे अपन प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि ऐसा आ जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसे कहेंगे कोई हल नहीं। हल में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? कोई हल नहीं। और यदि रेखा में पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? समांतर है, समांतर रेखा रहेंगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इसे कहेंगे अपन संपाती। क्या कहेंगे? संपाती। रेखा में कहें तो कैसी रेखाएं? संपाती रेखाएं होंगी। और हल में कहेंगे तो अनंतः अनेक हल होंगे, दिए गए निकाय के हल कैसे होंगे? अनंतः अनेक हल। एक बार और ध्यान सुनना, यदि पूछे दो ऐसा आएगा, यदि दिए गए निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो तो दिए गए निकाय के अद्वितीय हल होंगे। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा रहेगा? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ठीक है, कोई हल नहीं है। पूछे तो क्या लिखेंगे? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। या अनंत अनेक हल के लिए कहेंगे तो अपन क्या कहेंगे? इसके लिए कहेंगे अपन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण का मूल 2 है। तो ये तो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है छठवां, संख्या 140 की अवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। किसके? 140 के। तो यहाँ पर 140 के अवाज गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से काटेंगे 35 बार, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड कितने हुए? 2 पर 2 की घात 140 के, ठीक है, इंटू 5 पर 1 की घात इंटू 7 पर 1 की घात, जी आ गया अपना आंसर, जी है 140 के अवाज गुणनखंड। इसके अथवा में है अगला प्रश्न है 26 और 91 का कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम, तो यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसके? 26 और 91। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 और 91 के
के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड ठीक है। तो 26 तो इसे काटेंगे तो आएगा जी 2 × 13, 91 तो 91 को लिखेंगे 7 × 13, क्या निकालना है अपने एचसीएफ, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 13। एलसीएम तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 7 = 13, एक लाइन में कितने बार, एक बार 13, 13 × 7 = 91, 91 × 2 = 182 ठीक है। अतः क्या लिख देंगे, अतः 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 13 और 182 है ठीक है। इसके बाद अपना इसी प्रकार से 7वां 8वां प्रश्न है। अथवा वाला है इसका, बारह पंद्रह और 21 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, 12, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, किसके, तो ऐसे ही लिखेंगे हल 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड ठीक है। तो 12, 15 और 21 ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 × 2 × 3, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, जैसे 15 का 3 × 5, 21 3 × 7 ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे इसका, एचसीएफ निकालेंगे इसका तो आएगा, देखो तीनों में एक से क्या दिख रहा है, 3, 3, 3, एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, गुणा करेंगे 7 × 35, 35 = 105, 105 × 2 = 210, 210 × 4 = 420, यहाँ पर लिख देंगे अतः 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 420 है ठीक है। अगला प्रश्न है ठीक है। अब यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।